करनी सेना के द्वारा आज विरोध मार्च सह कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस विरोध मार्च में जिले के करनी सेवा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या कर दी गई थी। जब सुखदेव सिंह अपने आवास पर थे तो कुछ बेखौफ अपराधी वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस संदर्भ में आज कचहरी चौक से लेकर घंटाघर चौक तक करनी सेवा के द्वारा विरोध मार्च सह कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। वहीं करनी सेवा की मांग है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पे एकत्रित हुए हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल दिनांक 5 तारीख को राजस्थान के जयपुर शहर में हमारे हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि श्री सुखदेव सिंह दादा, जिनको हम लोग कहते थे सुखदेव सिंह गोगा मेरी जी, की गोली मारकर हत्या गुंडों के द्वारा कर दी गई है। जो राजस्थान सरकार के पैरेलल में सरकार में चलते थे, हमेशा दबे कुचले और दलितों एवं अन्य समाज के आवाज़ को मजबूत करते थे सवर्ण आरक्षण के लिए या फिर हिंदू सनातन धर्म के लिए, जिन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के सबसे आगे एक हिस्सा निभाया है। आखिर क्यों, किस आखिर किस साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है? हम लोगों को हत्यारे के साथ साथ इस हत्या के पीछे जो मास्टर माइंड है, जो सफ़ेद पोश हैं, उनको बेनकाब करना हमारा मांग है कि जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच का कमेटी बने और हत्यारे जो हत्या की है उनको तो अविलंब शूट आउट करना चाहिए, एनकाउंटर करके मारना चाहिए, ना कि जेल में उसको जेल का दामाद बनाना चाहिए, सरकारी दामाद बनाना चाहिए। भागलपुर के पर्वती मोहल्ले के काली मंदिर के पीछे नंदन मंडल की पत्नी जूली देवी ने दुपट्टा गले में बांधकर पंखे से लटक गई। हालांकि इस घटना के कारण का भी कुछ पता नहीं चल पाया। मृतक युवती के पिता टाइल्स मार्बल का काम किया करते थे। मृतिका के पति नंदन मंडल ने बताया कि सुबह 9 बजे के लगभग हम लोग सामान्य दिनों की तरह खाना पीना खाकर अपने काम पर जा रहे थे, तभी रास्ते में पड़ोसियों का फोन आया कि आपकी पत्नी ने ऐसा कर लिया है। यह सुनते ही हम लोग घर वापस आए तो देखा कि हमारी पत्नी फंदे से लटकी हुई है, जबकि मेरी पत्नी का ना तो मेरे से और ना किसी से झगड़ा है और ना ही मेरे परिवार वालों में किसी से झगड़ा हुआ है। वहीं मौके पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा एफएसएल की टीम को सूचना दी गई। एफएसएल की टीम भी जांच में जुट गई है। आधा रास्ता पहुंचे, साइट पे पहुंचने वाले थे, दो गो साइट चलता है, वहाँ पहुँचे भी नहीं। यहाँ से घर से फोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? कुछ नहीं, कोई चीज के विवाद? कोई चीज का विवाद नहीं हुआ। क्या कारण लग रहा है? कुछ का हमको पता ही नहीं है क्या का? कुछ लड़ाई होगा तभी कुछ कारण रहेगा, कोई कारण नहीं है। इससे पहले कभी झगड़ा नहीं होता है, पूछ लीजिए गांव समाज। तो आखिर ऐसा स्टेप उठाने कुछ तो कारण रहेगा, क्या होगा आखिर? उसके मन में हम तो नहीं जानते हैं। कब की घटना है ये? आज वही 9 बजे 7:30 बजे तो हम लोग यहाँ से निकल गए। हम लोग को निकलने के बाद हम लोग घर से निकल गए। घर में कौन है वो? जो वो हमारी पत्नी, इसका 8 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, मार्बल ग्रेनेड का काम करते हैं। तो 8:30 बजे हम लोग कोतवाली चौक के आसपास यहाँ से निकले, तो 9:45 बजे तक कोतवाली चौक तक पहुँचे। तो घर से फोन जब गया कि ऐसा ऐसा सुसाइड कर चुका है, तो हम लोग आधे रास्ते से घूम के रिटर्न घर आ चुके हैं। तो घर आए तो देखते हैं यहाँ बोरी पड़ा हुआ है। कोई झगड़ा हुआ था भाई के साथ? नहीं, झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भाई क्या करते हैं? मिस्त्री है वो भी, साथ गए थे। वो भी हम लोग के साथ ही गए थे और 8-9 लेबर हम लोग साथ में ही मिल के जा रहे थे काम करने के लिए। क्योंकि जब फोन आया तो हम लोग रिटर्न वहाँ से। क्या कारण लग रहा है? कारण तो सर अभी ऐसा कुछ झगड़ा झट्टी हुआ ही नहीं, तो हम लोग तो मालूम नहीं है। झगड़ा होगा तभी तो जानेंगे कि झगड़ा झट्टी हुआ है, ऐसा कोई विशेष भी नहीं है। तो कुछ तो कारण लगा जो आत्महत्या किया गया है। तो सर अब उसका मन में क्या चल रहा है, तो वही उसका मन की बात है, किसी का मन का बात तो हम लोग नहीं जान पाएंगे, आप भी नहीं जान पाइएगा। क्या नाम था उनका? जूली देवी। कहाँ तो सर मैके है? नवादा नगोछिया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो
तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की खरमनचक में भव्य रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। रेस्टोरेंट समुद्री लुटेरों पर आधारित थीम पर बनाया गया है, जिसमें लोग नए और आकर्षक डिजाइन में बने रेस्टोरेंट पर एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। वहीं यह रेस्टोरेंट कैरेबियन एंड पायरेट्स मूवी पर आधारित है। समुद्री लुटेरों पर आधारित थीम बनाकर बना रेस्टोरेंट भागलपुर में युवाओं के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। पूरे शहरवासियों के बीच खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट का इनडोर डेकोरेशन काफी जबरदस्त है। हर एक कोने में सेल्फी प्वाइंट बनी हुई है, जहां लोग सेल्फी लेते दिख रहे हैं। युवाओं में इसका खासा क्रेज देखा जा रहा है। द पायरेट्स रेस्टोरेंट के संचालक अनीश श्रीवास्तव, शशांक प्रतीक और आशुतोष झा ने शहरवासियों से समुद्री जहाज के अंदर समुद्री लुटेरा की थीम पर बने रेस्टोरेंट में परिवार वालों के साथ व्यंजन का मजा लेने की अपील करते दिखे। उन्होंने कहा, यहाँ चाइनीज तंदूर मॉकटेल काउंटर से लेकर हर एक लजीज व्यंजन उपलब्ध है। इसका विधिवत उद्घाटन गायत्री श्रीवास्तव, आशा श्रीवास्तव, बिंदु सिन्हा, नीतू सिन्हा, सुषमा सिन्हा ने फीता काटकर सामूहिक रूप से किया। वालों को मेरा नमस्कार। ये हम लोग का पहला रेस्टोरेंट थीम रेस्टोरेंट है भागलपुर में। ये हम लोग का समुद्री लुटेरों के ऊपर बनाया गया थीम है, उसी का रेस्टोरेंट है। ये कैरिबियन एंड पायरेट्स मूवी था, उसी के मतलब बेसिस पे हम लोग बनाए हैं। यहाँ पे चाइनीज नॉनवेज वेज तंदूर सारे चीज़ों का व्यवस्था है, मॉकटेल काउंटर भी है। और ये चाहते हैं कि मतलब कि भागलपुर के लोग हम लोग को ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि ये हम लोग का पहला है और हम लोग अभी युवा हैं, तो युवा को सपोर्ट भागलपुर वाले ही करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि भागलपुर में जितने भी आगे बढ़ रहे हैं सारे लोगों के साथ हम लोग हैं, और हम लोग के साथ भी भागलपुर वाले रहें। क्या डिस्काउंट चल रहा है अभी हम लोग का? दिसंबर में है तो नया एक जनवरी वाला भी ऑफर है, 10% 1 जनवरी तक हम लोग का ऑफर रहेगा। आज से 1 जनवरी तक 10% ऑफ रहेगा। सबसे पहले तो थीम पे बेसिस है जो सबसे अलग है और हमको बहुत अच्छा लगा। और शशांक बहुत मेहनत किया, बहुत कम समय बहुत ज़्यादा मेहनत किया ये लोग। और यंगस्टर्स हैं तो सपोर्ट का ज़रूरत है ही, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि सब लोग सपोर्ट करें, आए यहाँ पे, घूमें फिरें और सब देखें। और बस स्वाद कैसा? स्वाद खाना का स्वाद बहुत अच्छा है, सबसे अलग है। अलग होटल से क्या? हाँ, अलग है, सबसे अलग है, अच्छा है। आपको जैसा खाना चाहिए, इंडियन, नॉन वेज, वेज, सब तरह का खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। आप आइए, अच्छे अच्छे फोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं, क्योंकि ये थीम पे बेसिस है, तो आप लोग जरूर आए। और सपोर्ट, मेरा नाम हुआ भरत कुमार, मैं यहीं भागलपुर का निवासी हूँ। और खास करके प्रतीक जो है बहुत ही अच्छा, मतलब कि इससे पहले भी इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की हैं। और ये जो इसका नया एक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो लोकेशन है एंड जो थीम जो इसने सजाया है, ये भागलपुर वासियों के लिए मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन थीम है। क्योंकि भागलपुर जैसे छोटे शहरों में इतनी नई नई चीज़ों को लेकर आना, हम जैसे युवा लेकर आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और इतना रिस्क लेकर के ये सारी चीज़ें करें, तो हम सभी भागलपुर वासियों का एक तरह से कह सकते हैं ना कि सौभाग्य कि इतनी सारी नई चीज़ों को हमको कहीं दूर जाके नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि अपने भागलपुर शहर में देखना पड़ा है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थीम है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। और मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे तो ये बहुत ही पसंदीदा लगा। मैं अभी जस्ट आया, थोड़ा देर पहले मैं यहाँ घुमा फिरा और कुछ डिशेज भी खाए, मुझे वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे लगा। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट जाते रहता हूँ, इवेंट मैनेजिंग में करता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं देख पाता हूँ कि जो खाने का क्वालिटी यहाँ है ये बहुत ही बेहतरीन है। और जो चीज़ें यहाँ पे सर्व की गई हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं डिज़ाइन देख पा रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे यहाँ पे लगा। शहरवासियों से यही कहना चाहूँ कि युवा को सपोर्ट करें, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि भागलपुर वासी बहुत ज़्यादा युवा को सपोर्ट करते हैं। और मेरे भाई ने इतना अच्छा काम करके इस भागलपुर को दिया है, मैं चाहूँगा कि फुल्ली सपोर्ट भागलपुर को होना चाहिए। और मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल जो मुझे लोग जानते हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग। सुल्तानगंज प्रखंड के नवादा पंचायत के गंगटी गांव में हटिया बाजार का उद्घाटन नवादा मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल, पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेश सिंह, सुधीर सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुड्डू दुबे के द्वारा फीता काटकर किया गया। मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल सहित जनप्रतिनिधि एवं नेताओं ने कहा कि गंगटी हटिया बाजार खुलने से नारायणपुर, मिरहट्टी, शाहबाद सहित आसपास के लोगों को बाजार जाने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब आसपास में गंगटी हटिया बाजार खुलने से सभी लोगों को मार्केटिंग करने में आसानी होगी। नगर निगम के पार्षद अब आंदोलन का मूड बना लिए हैं, क्योंकि पार्षद की समस्या नगर निगम प्रशासन के द्वारा सुनी नहीं जा रही। इसी को लेकर आज पार्षद एकता मंच के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम के वार्ड संख्या 20 के पार्षद नंदिकेश सांडिल्य, वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा, वार्ड 50 के पार्षद पंकज गुप्ता मौजूद थे। वार्ड 21 के पार्षद नंदिकेश सांडिल्य ने कहा, नगर निगम साइन कंपनी को सफाई का जिम्मा सौंपा है, जो कंपनी अपना लेबर तो दूर नगर निगम के
लेबर के द्वारा सफाई करवा रही है और अपने बिल को पास करवा रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम में मजदूर की राशि के साथ हेराफेरी नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और आने वाले समय में यह शहर के लिए बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। वार्ड 50 के पार्षद पंकज गुप्ता ने कहा कि NIT के द्वारा 200 होल्डिंग पर 200 लेबर कूड़ा संग्रह करने के लिए दिया जाना था और हमारे वार्ड में कुल 32,009 होल्डिंग है जिसमें सिर्फ हमारे वार्ड में 32 लेबर की जरूरत है और हमारे वार्ड में अभी 11 लेबर आते हैं जिससे हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो पाती, जिस कारण आज पार्षद एकता मंच ने विचार विमर्श करते हुए सफाई व्यवस्था ठप कर दिया गया था, लेकिन शादी ब्याह के मौसम को देखते हुए हम लोगों ने सफाई व्यवस्था जारी कर दिया, लेकिन कल से हम लोग सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे जब तक हमारे वार्ड में समुचित लेबर की व्यवस्था नहीं हो जाती। कि प्राइवेट कंपनी को जो NIT के आधार पर काम करने के लिए भेजा गया वह NIT के आधार पर काम नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि NIT में उसको साफ लिखा हुआ है कि कंपनी को अपना कार्यालय होना चाहिए और वहाँ लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। कंपनी न कार्यालय खोल पाया, न कोई कर्मचारी नियुक्त किया और आज भी नगर निगम के स्टाफ के बलबूते पर कंपनी चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी के द्वारा कंपनी का के ऊपर वर्चस्व है और उसका आशीर्वाद प्राप्त है जिसके कारण कंपनी आज तक टिकी हुई है। जहाँ तक प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन जो होता था कूड़े का वह भी बंद है। कूड़ा कहाँ फेंका जाएगा वह भी अभी निश्चित स्थान नहीं तय किया गया है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जब हम लोग अस्थाई समिति में यह निर्णय ले लिए महापौर महोदया के आदेशानुसार कि सफाई करा ये एजेंसी को शीघ्र हटाया जाए तो उसका आज तक प्रोसीडिंग नहीं निकला है। एक साल में अगस्त महीने से सफाई की कंपनी आई है भागलपुर में जिसको 2 जोन में बांटा गया है, वार्ड नंबर 13 से 14 से 42 एक तरफ में और 32 से 51 दूसरे में। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ का काम हो रहा है, पूरा शहर आज गंदगी के ढेर पे बैठा हुआ है, त्रस्त है जनता। हर दूसरे दिन कभी छठ में समस्या, कभी दशहरा में समस्या, कभी दिवाली में समस्या। पार्षद को जैसे रोड पर रोक कर हाथ देकर रोका जाता है अब कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कोई आदमी नहीं है जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम पूछ सकते हैं। ये जो कंपनी आई है इनका ना तो कोई ऑफिसर ना ही कोई आदमी है जो शहर में हम लोगों से बात करेगा या हम लोगों की समस्या का निदान करेगा। कुछ भी पूछा जाता है तो वो निगम के हवाले बात करते हैं, निगम में पूछते हैं तो वो कंपनी का हवाला देते हैं। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? जनता ने वोट देकर इस बार चुनाव जिताया है और बड़े उम्मीद से जिताया है कि हम लोग अच्छे से काम करेंगे। युवा हैं, अनुभवी पार्षद हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो कंपनी आई है, युवा जोश और अनुभव सब धरा का धरा ही रह जा रहा है। क्या परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी ये है कि कंपनी जो आई है उसको नगर निगम एग्रीमेंट करा है। NIT के हिसाब से अगर हम काम देखेंगे तो प्रत्येक 200 होल्डिंग पे 2 आदमी को डोर टू डोर के लिए जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि एक आदमी 100 घर देखेगा। जैसे हम अपना वार्ड मान लेते हैं तो मेरे वार्ड में 1780 होल्डिंग है, तो 18 लेबर डोर टू डोर होना चाहिए उस हिसाब से। 17 ही मान लीजिए, 17 लेबर डोर टू डोर होना चाहिए, लेकिन मेरे वार्ड में 3 लेबर डोर टू डोर जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्राइवेट कंपनी जिसको बड़ी उम्मीद से निगम सरकार ने नगर निगम भागलपुर के लिए चयनित किया और आप इस शहर को साफ रखेंगे और आपका चयन बहुत ही गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। विगत 2-3 महीने में निगम के कर्मचारियों द्वारा शहर को गोद लिया गया, तब ये शहर आज साफ दिख रहा था। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो या छठ हो, हमारा वार्ड वार्ड नंबर 50 होता है जो दक्षिणी खंड है और दक्षिणी खंड का जो स्थिति है वो पूरे भागलपुर में औसे स्थिति कहीं नहीं है। विडंबना ये है कि पार्षद को नाले के पानी में बैठना पड़ा, तब निगम सरकार के कान पे जू देंगी, तब वहाँ गैंग लगा। आज वो रोड पूरा साफ है, पानी नहीं है। तो पार्षद कब तक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे?
ब्यूरोक्रेट्स इतना हैवी क्रिएट है, वो क्रिएट कर दिया है कि पार्षद कुछ बोल नहीं सकते हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? जनता बहुत उम्मीद। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 27 फरवरी 2014 की देर शाम ततारपुर स्थित जैन पेट्रोल पंप के मैनेजर जयकिशन शर्मा की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। इस हत्या के बाद पुलिस अनुसंधान में वर्ष 2016 में केस को बंद कर दिया गया। इसके बाद इस केस को पुनः खोल दिया गया और जिसमें मुख्य आरोपी पप्पू शाह को बनाया गया है। इसके बाद पप्पू शाह के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए भागलपुर न्यायालय में अर्जी दाखिल किया गया है, जहां अर्जी को भागलपुर न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद पप्पू शाह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पप्पू शाह को सोमवार को जमानत मिल गई। इसके बाद पप्पू शाह ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और जिसके बाद न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि इस केस से हमें कोई लेना देना भी नहीं था, जिस कारण मेरे खिलाफ एक भी गवाह नहीं गुजरा। ये जयकिशन की हत्या हुई थी, पेट्रोल पंप पे वो जॉब करते थे, उनके परिवार से ना हमको कोई मतलब था, ना लेना था, ना कोई हमारी उन लोग से कोई रिश्तेदारी है, ना मैं जयकिशन को जानता भी था कि कौन जयकिशन है। जयकिशन की हत्या हुई, हत्या होने के बाद क्या कारण से मेरे पे आरोप लगाया गया, इसके पहले और भी एक दो अभियुक्त थे इसमें, उन लोगों के हिसाब से मेरे पे क्या कारण से आरोप लगाया गया मैं नहीं जानता इस बात को। लेकिन 2014 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये केस 2016 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ख़त्म हो गया था, जिस समय कोतवाली में ठाकुर जी इंस्पेक्टर थे। उसके बाद 2016 के बाद फिर इस केस को खोला गया। इस केस को खोलने के बाद फिर मुझे मुख्य आरोपी बनाया गया। मुख्य आरोपी बनाने के बाद मेरे पे वारंट भी हुआ, मैंने हाईकोर्ट से, यहाँ से मेरी बेल रिजेक्ट भी हुई, मैंने हाईकोर्ट से बेल लिया, न्यायालय का पूरा मेरे ऊपर ध्यान रहा, मैं सही और सच्चा आदमी था तो मेरे पे पूरा ध्यान रहा। उसके बाद मैंने बेल लेके मैं कोर्ट का डेट पे, हर डेट पे हाजिर हुआ। कोर्ट ने जो जो बोला मैंने बताया, मेरे विपक्ष में एक भी गवाह भी नहीं थे, सारे गवाह हॉस्टल, चाहे उनकी घर की पत्नी हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनके देवर हो, सबके सब। और पुलिस वाले ने भी मेरा बहुत सहयोग किया, जो सच्चाई थी वो सामने ला के कोर्ट में हाजिर किया। और पुलिस पे और कोर्ट पे मुझे शुरू से बहुत भरोसा था और मैं अभी बाइज्जत बरी हो गया हूँ कोर्ट की तरफ से। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले श्याम सुंदर तांती के पुत्र 41 वर्षीय दिलीप तांती की संदेहास्पद स्थिति में गुजरात के वापी में मौत हो गई। मौत की खबर अकबरनगर आते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भाई वीरेंद्र तांती ने बताया कि शाम को 5 बजे गुजरात से भाभी और भतीजे ने बताया कि दिलीप की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि दिलीप सरना लिमिटेड सरनाटू बापी GIDC में हेल्पर के पद पर पिछले 6-7 साल से काम कर रहा था। इस रक्षाबंधन के बाद काम पर लौटा था। मृतक के पत्नी नीतू देवी ने बताया कि दिलीप की मौत कंपनी में हुए गैस रिसाव की चपेट में आने से हुई है। गैस रिसाव में 3 मजदूर चपेट में आ गया, वहीं 2 मजदूर की मौत हो गई है और 1 का इलाज जारी है। साथ ही बताया घटना दिन के 11 बजे की है, लेकिन इसकी सूचना शाम को दी गई और अभी तक मुझे मेरे पति को देखने तक नहीं दिया गया है। वहीं कंपनी के एक कर्मी बताया घटना दिन के 11 बजे की है, जिसमें 3 मजदूर भुवनेश्वर कुमार गोरेलाल और दिलीप कुमार गैस की चपेट में आ गया था, जिसमें गोरेलाल और दिलीप की मौत इलाज के दौरान हो गई और भुवनेश्वर का इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि मृतक अपने पीछे 3 लड़का और 1 लड़की छोड़ गया है। वहीं अकबरनगर में वृद्ध पिता और भाई का रो रोकर बुरा हाल है। उसका कंपनी में अभी कॉल किया हम तो वो बोलता है कि गैस लगा था, उसमें 3 आदमी था, 2 एक्सपायर हो गया, 1 है। अच्छा, तो वही कौन कंपनी में काम करता था? सरनाटू। कहाँ पे है? गुजरात में। और तुम्हारा भाई था? मेरा भाई था। क्या नाम था उसका? दिलीप। तुमको सूचना कैसे मिला? अभी मेरा भतीजा कॉल किया, भाभी भी कॉल किया, हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में मिलने नहीं देता है उसको। अच्छा, तो क्या बोला भाभी, क्या बोले? भाभी बोला कि आप भैया आओ, हो गया भैया, भैया डेट हो गया। हाँ, कैसे? कैसे गैस लगा था, 12 बजे ही लगा था। अच्छा, तो अब उसको भाभी को पता चला 4 बजे। तो फिर वो हॉस्पिटल गई। हाँ, हॉस्पिटल गया। हाँ, तो हमको फोन किया अभी वही 1 घंटा पहले। हाँ, तो हम अभी वो सबको बात करके उसके बाद वो सबको लेके गया अभी पुलिस चौकी। हाँ, तो वही पुलिस चौकी में अब रिपोर्ट लिखाने के बाद अब क्या होता है। उसी कंपनी में काम करता था? हाँ, सरनाटू में। सरनाटू में हरिया हॉस्पिटल में एडमिट। कौन हॉस्पिटल? हरिया हॉस्पिटल। हरिया हरिया हॉस्पिटल। अच्छा।
33वां बिहार एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन और सेकेंड ईस्ट जोन फिजिशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिनांक 8-9-10 दिसंबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज नौलक्खा कोठी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने देश एवं विदेश के प्रख्यात चिकित्सक इस कॉन्फ्रेंस के वैज्ञानिक सत्र में अपना व्याख्यान देने आ रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन के ठीक एक दिन पूर्व सुबह जागरूकता साइकिल रैली जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज से निकाली जाएगी। रैली को रेंज डीआईजी विवेकानंद के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस जागरूकता रैली का उद्देश्य लोगों को मधुमेह और हृदय रोग के बारे में जानकारी देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर अबेद अली, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर आरपी जायसवाल, डॉक्टर शांतानु घोष, डॉक्टर भरत भूषण कलावे, कई अन्य डॉक्टर मौजूद थे। बिहार एपीआई के लिए एक अनूठा समय है, 2023 का दिसंबर 8-9-10 को बापिकॉन, 33वां बापिकॉन और ईस्टर्न जोन का 6-7 स्टेट जो हैं बंगाल, उड़ीसा, आसाम वगैरह लोग से आने वाले डेलीगेट्स, करीब 500 डेलीगेट्स का जमावड़ा भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में होने जा रहा है 8-9-10 दिसंबर को। और इसका इसमें देश के दिग्गज जो है स्टार स्पीकर लोग आ रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे नेशनल डीन इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन डॉक्टर पॉल, डॉक्टर गिरीश माथुर जो प्रेसिडेंट हैं, और देश में के जो दिग्गज जो है मेडिसिन के स्टार लोग डॉक्टर मुरुगनाथन और अन्य लोग जो है आ रहे हैं, करीब 70 जो है स्पीकर हमारे यहाँ आ रहे हैं, और 150 से अधिक हमारे पीजी लोग जो रिसर्च स्कॉलर सब हैं वो सब यहाँ पधार रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेडिसिन के अद्यतन ज्ञान को अपडेट करना, हमारे इर्द गिर्द में जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं उन्हें यह वैज्ञानिक ज्ञान देना और एक मुख्य संदेश देना। बिहार प्रदेश जदयू द्वारा प्रस्तावित जिला स्तरीय कार्यक्रम घंटाघर चौक भागलपुर से विभिन्न चौक चौराहा होते हुए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल रेलवे स्टेशन चौक तक जदयू अंबेडकर युवा मंच कर्मचारी संघ भागलपुर के नेतृत्व में संविधान बचाओ मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संविधान बचाओ रैली में महादलित परिवार के सैकड़ों दलित सहित भागलपुर इकाई के जदयू के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। पार्टी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में आज संविधान बचाओ का पैदल मार्च पार्टी ने निर्धारित किया है। इसी के तहत आज हम लोग जनता दल यूनाइटेड के साथी सभी नेता घंटाघर चौक पर उपस्थित हैं। हम लोग अभी यहां से संविधान बचाओ मार्च पैदल मार्च स्टेशन चौक अम्बेडकर साहब के स्टैचू तक जाएंगे, वहाँ माल्यार्पण करेंगे और केंद्र का पर्दाफाश करेंगे। वो जो केंद्र सरकार है संविधान में छेड़छाड़ करना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, इसके विरोध में हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं पूरे बिहार में। और वो जो काम कर रही है आज सारा उदाहरण है उनके पास में। आज आरक्षण के तहत आरक्षण को समाप्त करने का उनका आरएसएस का जो प्रमुख है भवन भागवत जी, उन्होंने पहले ही कहा कि समीक्षा करेंगे। और आरक्षण तो संवैधानिक अधिकार है मेरा, इसलिए संविधान की रक्षा करना जनता यूनाइटेड का। अगर चौक से स्टेशन चौक तक जाएंगे और बाबा साहब के प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। अभी घंटाघर चौक पे सामाजिक संगठन के द्वारा ये निकाला गया है विशाल रैली, जो स्टेशन चौक से चलकर खलीफाबाग होते हुए घंटाघर होते हुए तिलकामांझी चौक तक जाएगा। उस जुलूस को भी हम लोग यहाँ पर अपना समर्थन और सहयोग किए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह जी के नेतृत्व में जो अभी विशाल जुलूस स्टेशन चौक से निकल के तिलकामांझी तक जा रहा है, घंटाघर चौक पे हम लोगों ने उनको समर्थन और सहयोग किया है, वो आगे बढ़ा है और हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी यहाँ से अपना पैदल मार्च स्टेशन चौक तक करेंगे और प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और वहीं नुक्कड़ सभा भी करेंगे। संदेश हम यही देना चाहते हैं कि समाज शिक्षित हो और संविधान को बचाना है हम लोग को, और नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी संविधान में छेड़छाड़ करना चाहता है हम लोग उनके विरुद्ध में हम लोग आज जुलूस निकाले हैं। यही